जब हम किसी भी काम को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं तब वो काम हमेशा सफल ही होता है, और जैसे ही हम ठीक इसके विपरीत नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो उस कार्य का गलत परिणाम भी हमें दिखाई देने लगता है। अगर आपको अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपकी सोच का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा। कई बार होता यह है कि हम खुद से प्रॉमिस कर लेते हैं कि अब हम कुछ भी हो नेगेटिव सोच नहीं रखेंगे और अपने आसपास फैली हुई नेगेटिविटी पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, परंतु कुछ समय के बाद हम अपने द्वारा किए गए प्रॉमिस को भूल जाते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है। इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा पॉइंट यह है कि खुद को पॉजिटिव रखने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोच वाले व्यक्तियों से मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर किसी भी विषय को लेकर एक अलग अलग सोच होती है। इसमें से कुछ व्यक्ति पॉजिटिव सोच वाले होते हैं और कुछ व्यक्ति नेगेटिव सोच वाले। आपको हमेशा पॉजिटिव सोच वाले व्यक्तियों से ही मिलना चाहिए। इससे होगा ये कि आपका सोच और आपके लक्ष्य को पाने का उद्देश्य पॉजिटिव तरीके से आपको आगे बढ़ाने में सहायक होगा। नेगेटिव सोच रखने वाले लोग आपके जीवन से हमेशा के लिए पॉजिटिविटी को निकाल सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सकारात्मक सुझाव देते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि आपको अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, उसे हमेशा अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही चूज करना चाहिए और किसी भी कठोर से कठोर परिस्थिति में उसे अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना चाहिए। भले ही आपको आपका लक्ष्य कितना ही मुश्किल क्यों ना दिखे, अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हुए कठिन परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव सोचने की शक्ति में भी वृद्धि होगी। हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए एक सरल उपाय यह भी है कि पॉजिटिव थॉट्स को पढ़ें। हमारा जो सोच होता है, जो थॉट प्रोसेस होता है, वह हमारे आसपास के वातावरण के अनुसार ही विकसित होता है। इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को पढ़ना चाहिए, जिससे हमें उन विचारों से प्रेरणा मिलेगी और हमारी सोच पॉजिटिव बनी रहेगी। अगर हम किसी कार्य को करने से पहले पॉजिटिव थॉट्स पढ़ते हैं तो हमें उस कार्य के लिए आत्मविश्वास मिलता है और हमारा वह कार्य सफलतापूर्वक पूरा भी हो जाता है। इसीलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव थॉट्स को पढ़ना भी बहुत आवश्यक होता है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखने के लिए ध्यान करना भी एक अच्छा विकल्प माना जाता है। ध्यान करने से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, जिसके कारण हमारे अंदर पॉजिटिव सोच उत्पन्न होते हैं। ध्यान के समय हमारा दिमाग किसी विशेष विचार की ओर फोकस्ड रहता है, जिसके कारण ऊर्जा बिखरती है और यह ऊर्जा इंसान के अंदर मजबूती लाती है, जिससे वह आम जीवन में कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में भी सक्षम होता है। इसीलिए हमें एक दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए तो ध्यान अवश्य करना ही चाहिए। हो सकता है कि शुरुआती दौर में यह प्रक्रिया आपको मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास कर सकेंगे वैसे वैसे आपके लिए ये आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मोटिवेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।